अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है कॉलेज जाने से, जब सारी क्लास कॉलेज को छुट्टी थी और सिर्फ और सिर्फ फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट को बुलाया गया था, क्योंकि हमारा खूबसूरत दिन वुमेंस डे आ रहा है और हम फाइन आर्ट्स होने के नाते सारा कुछ हमें ही करना था। तो फिर मैं यहाँ पे अपना कार्ड बना रही थी, मतलब चार्ट बना रही थी जिसको मैं डिस्प्ले करने वाली थी। और ये ट्रिप बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि हम जा रहे हैं शालीमार बाग और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं। हम लोगों को वहाँ जाके अपना काम रिप्रेजेंट करना है वुमेन डे के हवाले से। तो हमने अपना बॉडी ब्रेसलेट बांधा और हम लोग निकल लिए, ठीक है। और यहाँ से हम निकल रहे थे शालीमार बाग। हमारा कॉलेज का रास्ता बहुत ही कम था, सिर्फ 5 मिनट का था। तो हम लोग सब वहाँ पर जब पहुँच गए, हल्ला गुल्ला करके हंगामा हंगुमा हुआ वैन में, फिर हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पर बहुत खूबसूरत मौसम हुआ हुआ था। हल्की हल्की धूप निकली हुई थी और ठंडक ठंडक थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे और भी बहुत सारी ट्रिप्स आई हुई थी और कॉलेजेस की भी। तो यहाँ पे हम अपना सामान लेकर, एक हमें जगह दी गई थी कि हमें वहाँ पर जाकर डिस्प्ले करना है अपना सामान को, अपनी चीज़ों को, मतलब जो हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सारा कुछ अपना लेकर आ रहे थे और यहाँ पर अपना सब कुछ लगा लिया था, जिसमें से ये मेरे सब हमारे सब डिपार्टमेंट का काम है। और ये बहुत अच्छा था और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने बहुत तारीफ़ें की थी हमारी, बहुत बड़े बड़े लोगों ने। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स भी थे, बहुत बड़े बड़े जो होते हैं वो भी थे। और यहाँ पे बहुत सारा तारीफ़ें भी और बहुत सारा हल्ला गुल्ला भी हमने किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी क्योंकि मैं सारा दिन वहाँ पे खड़ा होना पड़ा था। और ये मेरा काम है और यहाँ ये सब मेरे क्लास फेलोज़ के ही काम है, ठीक है। और इन पर मतलब प्राइस भी लगी थी जी। हमने यहाँ पे बहुत सारा इन्जॉय भी किया था, मतलब कि यहाँ पे इतना अच्छा व्यू था और इतने सारा फ़ोटोज़, इतने सारे वीडियोस बनाई थी, लेकिन खड़े होकर बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग, ठीक है। तो फिर हम खाना पीना करने कैंटीन में चले गए, यहाँ पे हम सारे बैठे हुए थे और ये अंकल हमें बता रहे थे कि यहाँ पे मेन्यू क्या क्या है। बहुत अच्छे नाइस पर्सन थे ये अंकल कैफेटेरिया के। साथ साथ हम व्यू इन्जॉय कर रहे थे, साथ साथ हमने खाना ऑर्डर कर दिया था, बहुत मस्ती वगैरह भी हुई, गुल्ला गुल्ला वगैरह सब चलते रहा साथ साथ। फिर हमने यहाँ पे पैसे इकट्ठे किए, जिसके पास जितने जितने पैसे थे हमने पैसे मिलाए। और फिर हमने दही भल्ले और सैंडविचेस वगैरह मंगवाए थे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। और ये सारा खाना हमें, दो मेन्यू थे और हमें 1000 का पड़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से इन्जॉय किया व्यू वगैरह। यहाँ पे ड्रोन्स भी थे और इतने कैमरास थे, हर जगह कैमराज ही लगे हुए थे और वो सब हमारी पिक्चर्स खींच रहे थे। और यहाँ पे मैं इन्होंने खाना भी दिया था, जिसको अनबॉक्सिंग में करके दिखाती हूँ। हमें लगा था इसमें कुछ अच्छा होगा, लेकिन बाकी लोगों को जो मिला था वो था बिरयानी, बाकी कॉलेजेस को तो मुझे लगा था इसमें कुछ ऐसा वैसा ही होगा, ठीक है, क्योंकि उनको बॉक्सेस मिले थे बिरयानी के। तो आई वाज एक्साइटेड अबाउट इट, बट जब मैंने इसको खोला तो ज़रा मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया, क्योंकि इसमें छोटे बच्चों वाली चीज़ें थी जैसे लेस, बिस्किट, चॉकलेट वगैरह। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ तो किया हमारे लिए, क्योंकि हमारा दिन सारा दिन ज़ाया नहीं गया, कुछ खाने पीने को भी मिला। पिक्चर्स के अलावा भी कुछ दिया इन्होंने हमें, किया हमारे साथ, ठीक है। तो अच्छा खाना पिज़्ज़ा था, लेकिन घड़ा के खाया था वहाँ पर, बस पानी पी के गुजारा कर लिया था। उसके बाद हम घर वापस निकल गए, अपने कॉलेज में आ गए और यहीं पे हमारा दिन ख़त्म हुआ। बहुत मज़ा आया, बहुत अप्रिसिएशन मिली वहाँ जाके, और बहुत थकान के बाद, बहुत लंबे दिन के बाद हम अपना सफ़र खत्म कर पहुँचा। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अगले व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।